Hello, hello, hello everyone. Today is our very special day because आज है अलीना का अन्नप्राशन, मतलब मुख्य भात बंगालीज के. एक्चुअली होता है 5th और 7th मंथ में गर्ल्स का और बॉयज़ का 6th एंड 8th मंथ. तो अलीना का हम 5th मंथ में कर रहे हैं बिकॉज़ कहीं दांत आ गया तो फिर मुख्य भात कैंसिल हो जाएगा. तो जो रिचुअल है हम यहाँ पे कर लेंगे टेंपल में. हम अभी टेंपल जा रहे हैं और बाकी जो कुछ बाकी जो बचा कुछ रिचुअल है वो तो होने वाला है इस बार हमारा इंडिया में बिकॉज हम जा रहे हैं इंडिया. ये आफ्टर 4 ईयर्स में जाने वाली हूँ इंडिया. आई एम सो एक्साइटेड. तो व्लॉग में बने रहिए. आज का हमारा फंक्शन कैसा रहता है, छोटा मोटा रिचुअल जो है हम चारों मिलके कर रहे हैं, तो देखते रहिए व्लॉग को. मुख्य भात का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खीर, जो खीर से हम बच्चों का मुख्य भात करते हैं. तो मैं वो बना के लाई हूँ मंदिर और अभी वो सब चढ़ा दिए पंडित जी ने. भोग प्रसाद जो जो मैं लेके आई हूँ घर से, प्रसाद वगैरह फ्रूट्स वगैरह. तो बस भोग लगने के बाद उसी भोग से हम करेंगे अलीना का मुख्य भात. तो अभी सब कुछ शुरू हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है. हम लोगों ने सारा रिचुअल्स अच्छे से कर लिया यहाँ पे अलीना का और बाकी हम सब करेंगे इंडिया में जाके सबके साथ. बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. जल खा बाबा अलीना को मुख्य बात में सबसे पसंद आया है पानी. वो पानी बहुत पसंद की, पानी पिए जा रही थी. ये है पानी गर्ल बिकॉज इसको नहाना भी बहुत पसंद है और पानी पीना भी इसको बहुत पसंद आया है. हमारा रिचुअल बहुत ही अच्छे से हो गया अलीना का मुख्य भात अन्नप्राशन. हम लोगों ने गणेश टेंपल में किया बर्लिन के और जो प्रसाद मैं बना के लाई थी सबको मैं हम लोगों ने यहाँ पे बांट दिया और बहुत ही सबका ब्लेसिंग भी मिला अलीना को. और थोड़े बहुत पिक्चर्स खींचे हम लोगों ने यहाँ पे. दोनों सिस्टर ने आज ट्रेनिंग भी की थी तो दोनों का फोटो सेशन भी हुआ. तो अब हम चले जाएँगे घर. चलो तो सब कुछ अच्छे से हो गया. मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे और एक नए व्लॉग के साथ.
तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।